सुधा नेट रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आंवले की सब्जी बनाना बताएंगे। आंवले और मेथी की सब्जी बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत फायदेमंद भी होता है। तो हमने ये भगोने में पानी गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 200 ग्राम ये आंवला लिया है, इसको हम इसमें डालकर और थोड़ी देर उबाल लेंगे। तो आंवले को हमने उबाल लिया है और इसके हमने ये फांके निकाल लिए हैं। इस तरह से हमें निकाल लेना है और अब हम पैन में एक चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच अजवाइन और अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च, हमने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हमने लहसुन लिया है, लहसुन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 4-5 कलियां लहसुन का लेंगे, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हमने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है और इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, अदरक की स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा डाल दिए हैं और छोटे टुकड़े को आप चाहे घिसके डालिए या थोड़ा छोटा छोटा पीसेज में काटिए, ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालेंगे। और इसको अच्छे से चलाकर थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। प्याज ये थोड़ा सा भुन गया है और अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे, 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी हमने छोटे छोटे में काट लिए हैं और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो यहाँ हमने 1 चम्मच नमक डाल देंगे तो टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो इसको अच्छे से चलाकर और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और ढक कर 5 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिलाकर ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पका लेंगे। पांच मिनट बाद हम देखेंगे टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें थोड़े से मेथी के पत्ते डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मेथी का पत्ता दिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक को पहले पहले ही डाल दिया डाल चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डालकर और इसको मेथी के पत्ते पकने तक थोड़ा सा पका लेंगे। मेथी के पत्ते थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे हम 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और यहाँ थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। अब हम इसमें ये आंवले डाल देंगे। आंवला डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से कोट हो जाए और इसको थोड़ी देर और चलाकर भूनेंगे। तो थोड़ी देर बाद ये आंवले की और मेथी की ये सब्जी बनकर तैयार है। ये खट्टी और मसालेदार आंवले की सब्जी बनकर तैयार है और सर्व करने के लिए, तो अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लिए। आंवले की खट्टी और चटपटी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। इसको रोटी या पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करिए। और अगर हमारे वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। धन्यवाद।